खड़गे ने अनजाने में किया मोदी शाह के गेम प्लान का खुलासा, कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एक जनसभा में अनुच्छेद 370 की जगह 371 बोलने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहले जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खड़गे को आड़े हाथ लिया, वहीं अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अनजाने में मोदी शाह के गेम प्लान का खुलासा कर दिया। खड़गे की चूरू में फिसली थी जुबान। हाल ही में राजस्थान के चूरू में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया था, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई। खड़गे ने मुंह से 370 की जगह 371 निकल गया था। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे थे, अमित शाह यहां आकर कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 371 हटा दिया। अरे भाई, यहां के लोगों को इससे क्या वास्ता है? ठीक है, आप ये बातें कश्मीर में जाकर बोल सकते हैं, जम्मू में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब नहीं। अमित शाह ने साधा था निशाना। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान को आड़े हाथों लिया और कह दिया था कि ये सुनना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने एक्स पर लिखा था, मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और प्रत्येक राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का शेष भारत पर अधिकार है। कांग्रेस को ये नहीं पता कि कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए राजस्थान के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस नेताओं की गलती नहीं है। भारत के विचार को न समझ पाने के लिए अधिकतर कांग्रेस पार्टी की इटालियन संस्कृति ही दोषी है। ऐसे बयानों से हर उस देशभक्त नागरिक को ठेस पहुँचती है जो देश की एकता और अखंडता की परवाह करता है। अब शाह पर भड़के जयराम रमेश। शाह की आलोचना पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, जयपुर में एक भाषण के दौरान खड़गे जी के जुबान फिसलने से उन्होंने गलती से कह दिया था कि मोदी अनुच्छेद 371 को समाप्त करने का श्रेय लेते हैं। उनका मतलब साफ तौर पर अनुच्छेद 370 से था, लेकिन अमित शाह तुरंत कांग्रेस अध्यक्ष पर भड़क गए। हालांकि सच्चाई ये है कि मोदी नागालैंड से संबंधित अनुच्छेद 371A, असम से संबंधित अनुच्छेद 371B, मणिपुर से अनुच्छेद 371C, सिक्किम से संबंधित अनुच्छेद 371F, मिजोरम से संबंधित अनुच्छेद 371G और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित अनुच्छेद 371H को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, संयोग से खड़गे पूर्ववर्ती हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 371J के लिए अकेले जिम्मेदार थे, जिसे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा किया। अमित शाह इस बात से भड़क गए कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अनजाने में अनुच्छेद 371 पर मोदी शाह के गेम प्लान का खुलासा कर दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अब अनुच्छेद 370 को रास्ते से हटा दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।